हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। सीएट यूजी 2022 के रिगार्डिंग आपके लगातार सवाल, लगातार क्वेरीज, क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं लाइव सेशंस भी कर रहा हूं, आपके सवालों का जवाब भी देता हूं, लेकिन कंफ्यूजन कंटिन्यू रहता है। हालांकि मैंने इसके इंपॉर्टेंट सवालों पर एक वीडियो बनाया है, जिसे आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हैं। आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। खासतौर पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के रिगार्डिंग आपके जो भी सवाल हैं, उनके ज़्यादातर सवालों का जवाब आपको वहाँ मिल जाएगा। सवाल आप में से कई लोगों ने पूछा है कि कब मेरिट लिस्ट जारी होगी। जैसा कि नोटिफिकेशन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का, 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक आप फी सबमिट कर सकते हैं, अगर आपके मार्क्स कट ऑफ के बराबर या उससे ज़्यादा है। तो इसके बाद 6 अक्टूबर के बाद यूनिवर्सिटीज़ निकालेगी लिस्ट, उसके बाद ही मेरिट लिस्ट निकलेगी। जिनका कट ऑफ में मार्क्स ज़्यादा है उनको पोजिशन 1 दिया जाएगा, उसी हिसाब से रैंकिंग बनेगी। डिसेंडिंग ऑर्डर में ये बनेगी, जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे उनको नंबर 1 पोजीशन मिलेगा। उसके साथ ही साथ धीरे धीरे डिक्रीजिंग नंबर, जितने कम मार्क्स जिसके होंगे उसी हिसाब से उसको मेरिट लिस्ट में जगह मिलेगी। हाँ, जनरल EWS OBC के लिए अलग लिस्ट बनेगी, इसी तरह SC ST या PWD या फिर CW कैटेगरी, इन सब के लिए अलग अलग लिस्ट बनेगी। सारे मेरिट की लिस्ट अलग होगी। आपको एक बार फिर बता दूं कि इंटीग्रेटेड जो 4 ईयर भी इंटीग्रेटेड BA BEd BSc BEd में 63 यानी 63 सीट्स हैं। इसमें से जनरल कैटेगरी के लिए करीब करीब आधी सीटें हैं, 30 सीटें हैं। इसी तरह से अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की 5 ईयर इंटीग्रेटेड BA ऑनर्स की बात करें तो 132 सीटें, तो करीब करीब 60 सीट जनरल कैटेगरी के लिए आती हैं। यही मोटा मोटी सीट्स का बंटवारा होता है। 10% EWS को जाता है, SC ST को कम्बाइंडली सारे 22% और 27% OBC को जाता है। उसके अलावा कुछ सीटें जो जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, अलग से PWD के लिए कोई परसेंटेज नहीं होता है। जिस कोट कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसी कैटेगरी में आपको एडमिशन दिया जाएगा। हाँ, आपका कट ऑफ नीचे रह सकता है। तो आप इंतज़ार करें 6 अक्टूबर तक। जिन लोगों ने फ़ी जमा नहीं की है, फ़ी जमा कर लें। फ़ी जमा कैसे करना है उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपलोड किया है, कितनी फ़ी है वो भी मैंने बताया है। फ़ी रिफंडेबल है, अगर आपका एडमिशन कन्फर्म नहीं होता है तो आपकी फ़ी रिफंड कर दी जाएगी। तो यही मोटा मोटी बातें हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के UG कोर्सेज के लिए जो ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। दूसरे यूनिवर्सिटीज़ ने भी अपने ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो उन यूनिवर्सिटीज़ वेबसाइट पर जाके आप लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल के आइकन को जरूर दबाएं ताकि सीएट यूजी या फिर PG के रिगार्डिंग कोई भी नई जानकारी मैं चैनल पर अपलोड करूँ तो उसकी अपडेट, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सही समय पर मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, ऑल द बेस्ट फॉर एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार।